सोलन में जिला सीनियर सिटीजन फोरम ने हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर वृद्धजनों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का एक निजी होटल में आयोजन किया। कार्यशाला में शहर के लगभग 50 से 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने साइबर सेफ्टी से इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आज के आधुनिक समय में हर व्यक्ति एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग इसके लिए वृद्धजनों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। जैसे कि हम लोग आए दिनों देख रहे हैं कि जो डिजिटल फ्राइड और जो साइबर फ्रॉड जो है पूरे इंडिया में और हिमाचल में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन सबको देखते हुए हेल्पेज इंडिया और गूगल ने पूरे इंडिया में और हिमाचल में बुजुर्गों के लिए साइबर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। तो इसका मेन मकसद ये था कि क्योंकि हम देखते हैं कि अगर न्यूज़ में आए दिनों बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इसके जो साइबर फ्रॉड के जो शिकार बढ़ रहे हो रहे हैं वो चीनी सिटीजन हो रहे हैं। तो हेल्पेज और गूगल ने पिछले 1.5 साल से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि खासकर जो हम लोग सीनियर सिटीजन देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन है, खासकर अगर हम सोलन की बात करें तो आज हम लोग सीनियर सिटीजन जो फोरम सोलन है उनके साथ हम लोग जो उनके मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलन में मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन वेल एजुकेटेड है, बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उनके जो मेंबर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि सोलन से भी हमारे पास काफ़ी केसेज आ रहे थे साइबर फ्रॉड से, तो उन सबको देखते हुए यहाँ जो सीनियर सिटीजन फोरम ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आज इसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाए। इसमें अलग अलग है, जैसे हम लोग जो ट्रेनिंग लगभग 1.5 या 2 घंटे का रहेगा, इसमें इसमें पूरे अलग अलग इसमें एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है ट्रेनिंग का, जिसमें कैसे पासवर्ड बनाया जाता है, किस तरह के कॉल्स आते हैं, किस तरह कॉल्स को हम लोग कैसा उसको बचाया जा सके और कब हम लोग पुलिस के पास जाए और किस तरह हम लोग साइबर क्राइम या इस तरह फ्रॉड का बचाया जा सके। तो मुझे लगता है आज की जो ट्रेनिंग है, यहाँ के जो सीनियर सिटीजन फोरम के जो मेम्बर्स हैं बहुत एक्टिव है, यहाँ के बिजनेसमैन है, कुछ रिटायर्ड प्रोफेशनल है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अग्रवाल साहब को काफ़ी शायद पिछले 6 महीने से उनका रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमारे यहाँ जो मेंबर्स को दिया जाए ये जो ट्रेनिंग है, तो मैं इससे ये करूँगा कि सीनियर सिटीजन फोरम के लगभग आज 40 से 50 मेंबर्स आए हुए यहाँ पे, तो उनको ट्रेनिंग देंगे और आने वाले दिनों में जितने भी तरह के भी साइबर फ्रॉड होंगे उनसे ये बचा जाए। तो ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम